लाइट कैमरा एंड एक्शन हीरो। हेलो एवरीवन, मैं कनिक शर्मा आज कर रहा हूँ अपनी सेकंड मूवी का रिव्यू जिसका नाम है एन एक्शन हीरो। बात करें अगर स्टोरी की तो मानव एक 30 साल का यंग लड़का जो कि अपनी मेहनत से नेम और फेम हासिल करता है, वो अपने करियर की पीक पर होता है जब हरियाणा में उसके साथ पहचाना एक्सीडेंट हो जाता है जिसके बाद उसके करियर का ग्राफ नीचे गिरने लगता है और चीजें उसके अगेंस्ट हो जाती है। टाइकन लंदन चले आ गया जी। बात करें अगर स्टार कास्ट की तो सिर्फ दो ही लोग फिल्म को आगे लेके जाते हैं, मानव आयुष्मान खुराना और भूरा भाई जयदीप एलावत। हीरो था इसलिए दो लाइफ जी रहा था, एक पर्दे पर एक असल जिंदगी में। फिर उसने आके दोनों के बीच का धागा खींच दिया। फिर आ गया। इन दोनों के अलावा स्क्रीन पर ना ही किसी को देखने का मन करता है और ना ही जरूरत लगती है। ना प्यार है हमारा जो हमने दिया है अपनी मर्जी से। आजकल कैमियो कल्चर इंडस्ट्री में ज्यादा ही बढ़ गया है। इस मूवी में भी आपको एक सुपरस्टार का कैमियो देखने को मिलेगा जो मूवी में कॉमेडी का एलिमेंट लेके आएगा। पकड़ लाऊंगे साहब, जब साला चांद पे भी चला गया ना तो अपनी पीसीआर में बांध कर उसने घसीटता लाऊंगा, आपकी छाई पटक दूंगा। इस पीसीआर में तू चांद पे जागा और उसने घसीट के लाओगा। बात करें अगर म्यूजिक की तो सॉन्ग्स इस मूवी में ज्यादा नहीं है। बैकग्राउंड म्यूजिक को बहुत अच्छे से यूज किया गया है, खास करके आयुष्मान के सीन्स पर। कल पूरी दुनिया मेरे पीछे पड़ी हुई थी मेरी फोटो लेने के लिए, आज मेरी जान के पीछे पड़ी हुई है। मैं कल ना किसी को जानता था ना आज किसी को जानता हूँ। अब बात करें मूवी के क्लाइमेक्स की। मूवी का क्लाइमेक्स देखने वाला यही वही टाइम होता है जब आयुष्मान एन एक्शन हीरो से द एक्शन हीरो बनता है। मूवी का एंड आपको देख के थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल लगेगा, लेकिन जितना भी दिखाया गया है एंड कह सकते हैं कि एक अच्छे नोट पे नहीं हुआ, बट मूवी पूरी ऑल ओवर देखने वाली है, वन टाइम वॉच है। आप अपनी फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ जाके मूवी इंजॉय कर सकते हैं। बात करें रेटिंग की तो मैं इस मूवी को 5 में से 4 स्टार दूंगा। ये टिपिकल आयुष्मान खुराना काइंड ऑफ मूवीज नहीं है, वो जिस तरह के हम जानते हैं उनको कि वो करेक्टर बेस्ड मूवीज करते हैं, ये वैसी मूवी नहीं है। कह सकते हैं कि इस बार उन्होंने कुछ अलग ट्राई किया है, तो ये मूवी एक बार जरूर देखनी बनती है। मूवी इंगेजिंग है, आपको देखने में मजा आएगा, तो आप जाए इंजॉय करें फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली मूवी के रिव्यू में। थैंक यू वेरी मच।